मैन गेम क्रिकेट की स्पेशल ट्रांसमिशन में एक मरतबा फिर एक्सप्रेस न्यूज के व्यूअर्स को खुश आमदीद। मेरे साथ मौजूद है रजा रूमी और हमारा जो पैनल है वो पाकिस्तान के तीन ऐसे स्टार्स पर जो किसी तारुफ के मोहताज नहीं, जावेद मियादाद, आमिर सुहेल और मुश्ताक अहमद। मुश्ताक अहमद जो इंग्लैंड की क्रिकेट टीम के बोलिंग कोच भी हैं, इनसे पूछेंगे इन्होंने क्या गुर सिखाए इंग्लिश बोलर्स को। लेकिन इससे पहले कि हम इनसे बात करें, आरिफ अब्बासी साहब से हम जो है, चूंकि हमें टेलीफोन लाइन पर इस वक्त ज्वाइन किया है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की एडहॉक कमेटी के चेयरमैन नजम सेठी साहब ने, तो हम इनसे थोड़ी बात कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम सेठी साहब। वालेकुम सलाम। सेठी साहब, हम ट्रांसमिशन कर रहे हैं इस क्रिकेट गर्दी बिग थ्री के बाउंसर के हवाले से। अब आप बताइए, बहसियत चेयरमैन एडहॉक कमेटी, आप पाकिस्तान क्रिकेट को कहां देखते हैं? 23 फरवरी को इजलास भी मुतवक्के है बांग्लादेश में, और आप क्या समझते हैं? बाज लोगों का यह परसेप्शन है कि पाकिस्तान ने एक वाजे मौकिफ इख्तियार किया, बाज लोगों का यह परसेप्शन है कि पाकिस्तान क्रिकेट तन्हा हो गई। एज द चेयरमैन ऑफ एडहॉक कमेटी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड, आप इस सारे मामले को किस निगाह से देख रहे हैं? सबसे पहली बात तो ये है जनाब कि आपने तीन दफा कहा है एडहॉक कमेटी। जी, ये एडहॉक कमेटी नहीं है, ये इंटरम कमेटी। जी, ये इंटरम कमेटी भी नहीं है, इसका नाम है मैनेजमेंट कमेटी। मैं क्लियर कर